नमस्ते और स्वागत है उभरते नेताओं। आज हम नेतृत्व की एक आवश्यक लेकिन अक्सर अनदेखी गई पहलू भावनात्मक विनियमन में डुबकी लगा रहे हैं। इसे पहली बार नेता के एक तंग रस्सी की चाल की तरह सोचें। एक ओर आपकी टीम आपसे दिशा की उम्मीद कर रही है, दूसरी ओर ऊपरी लोगों के सूक्ष्मदर्शी के अधीन आपके निर्णय, लेकिन यह केवल टीमों और परियोजनाओं का प्रबंधन करने से अधिक है। यह एक भावनाओं के सागर को समझने के बारे में है, आनंद और गर्व से चिंता, भय और आत्मसंदेह तक। हमारे अनुसंधान में जल्द ही BMJ लीडर में प्रकाशित होने वाले कुछ आंख खोलने वाले आंकड़े सामने आते हैं। क्या आप जानते हैं 87% नए नेताओं को अपनी टीम के एक मील का पत्थर मारने पर बहुत गर्व महसूस होता है, फिर भी 58% लोग महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए चिंता महसूस करते हैं। तो आप इन भावनाओं को कैसे संतुलित करते हैं और प्रभावी रूप से नेतृत्व करते हैं? हमने व्यापक अनुसंधान के आधार पर 6 सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान की है। आत्म जागरूकता। खुद से पूछिए, मुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या यह भावना मेरे नेतृत्व को मदद कर रही है या बाधा डाल रही है? यह आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। अगला, विविध प्रतिक्रिया को स्वीकार करें। मेंटर्स, सहकर्मी और अधीनस्थों का एक नेटवर्क बनाने से अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होने में मदद मिल सकती है और आपको बढ़ने में और आपकी टीम। चौथा, संवेदनशीलता की शक्ति। प्रामाणिकता और नेतृत्व आपकी टीम के भीतर विश्वास और गहरे संबंध बढ़ाती है। पांचवें, एक्स्ट्रा करिकुलर सामर्थ्य रणनीतियों के साथ संतुलन खोजें, चाहे वह जॉगिंग हो, जर्नलिंग या बस प्रियजनों के साथ समय बिताना। खोजिए क्या आपकी रीसेट करने में मदद करता है। अंत में, समझना अभ्यास करें। गहरी सांस लेने के कुछ मिनट स्पष्टता और शांति ला सकते हैं, विशेष करके उच्च दबाव वाली स्थितियों में। याद रखें, ये अभ्यास सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये आपके नेतृत्व यात्रा को बढ़ाने के लिए साबित रणनीतियां हैं। आज ही शुरू करें। नियमित रूप से मनन करें, सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया खोजें, डिजिटल सीमाएं निर्धारित करें, अपने रीसेट तंत्र की खोज करें और शांतिपूर्ण श्वास कार्य को अपनाएं। आपकी भूमिका एक नेता के रूप में सिर्फ निर्णय और दिशा निर्देशों के बारे में नहीं होती, यह अपनी भावनाओं को समझने के बारे में होती है, ताकि आप अपनी टीम को प्रेरित करके आगे बढ़ा सकें। आप केवल परियोजनाओं का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, और इस यात्रा में आपकी भावनात्मक बुद्धि आपका सबसे मजबूत साथी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन प्रथाओं को अपनाएं और देखें कि आप अपनी नेतृत्व को ही नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम को कैसे परिवर्तित करते हैं। अगली बार तक हृदय और स्पष्टता के साथ नेतृत्व करते रहें।